भाई खाना, खाना किसको नहीं पसंद। और अगर चाट की बात आ जाती है, हम में से मैक्सिमम लोग इस चाट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और मेरे हाथ में तो पूरे भारतवर्ष की सबसे बेस्ट चाटों में से एक बास्केट चाट है। जी हाँ, मैं हूँ लखनऊ में, और लखनऊ का खाना पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी में से एक चीज़ मैं अभी खाने वाला हूँ, वह है बास्केट चाट, और ऐसे ही यहाँ के काकोरी कबाब और यहाँ के निहारी कुलचे, सब कुछ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं लखनऊ की टॉप प्लेसेस टू ईट, और इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी डिशेज हैं जो लखनऊ में सबसे ज़्यादा फेमस है, कहाँ वो मिलती हैं, कितने की हैं, कैसे खाएं, कब खाएं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो हमारी वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नहीं हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद घंटे के निशान के साथ आप दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। नवाबों का शहर जिसे कहा जाता है, उस शहर का नाम है लखनऊ। लखनऊ में भारत की हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस के साथ साथ भारत के लजीज जायका भी आपको ट्राई करने को मिलेगा। कहते हैं अगर नवाबों के समय का असली स्वाद आपको ट्राई करना है तो आप लखनऊ जाके कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल, एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के एक बहुत ही बेहतरीन सिटी लखनऊ की टॉप खाने पीने की जगह। जी हाँ, लखनऊ में टॉप प्लेसेस टू ईट कौन कौन सी हैं और वहाँ क्या क्या खाने को मिलता है, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम लखनऊ की हर उस जगह जाएंगे जहाँ पे लखनऊ की किसी भी तरीके की खाने पीने की चीज फेमस होगी, जैसे बेस्टली यहाँ का नॉन वेजिटेरियन खाना और यहाँ का वेजिटेरियन खाना। नंबर एक, टुंडे कबाब। गाइस ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है लखनऊ का फेमस टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट। भाई टुंडे कबाब जिन्हें हम गलौटी कबाब के नाम से भी जानते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन लवर है तो आप इस गलौटी कबाब या टुंडे कबाब को जरूर जानते होंगे, जिसका इजाद हुआ था लखनऊ में। इतने सॉफ्ट, इतने नरम होते हैं कि भैया मुंह में जाते ही घुल जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ गए। तो लखनऊ में सबसे पुरानी दुकान जो टुंडे कबाब या फिर गलौटी कबाब बेच रही है वो है ये टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट। आइए अंदर चल के देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। तो गाइस हम टुंडे कबाबी वाले पे बैठ चुके हैं, बहुत ही खचाखच भरा हुआ रेस्टोरेंट है, और ऑफ कोर्स होगा भी क्योंकि वन ऑफ दी बेस्ट डिश है लखनऊ की। तो इसके मेन्यू में देख रहे हो, इसका मेन्यू भी बहुत सिंपल है। इसके मेन्यू में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ के मटन बफेलो गलौटी कबाब और चिकन सीख कबाब, मेन इसकी डिश वही है। इसके बाद आपको बिरयानी भी देखने को मिलेगी, वेज में भी कुछ आइटम्स है, और साथ में है रोटी। सिंपल सा मेन्यू है। अगर आप इसके सबसे फेमस मटन गलौटी कबाब खाते हैं तो आपको 33 रुपए का एक पीस मिलेगा और 130 रुपए के चार पीस मिलते हैं। मेन्यू इज वेरी सिंपल, हम बस एक प्लेट गलौटी कबाब मंगाएंगे और वो ट्राई करके चलेंगे। तो गाइस यहाँ की सबसे फेमस डिश मटन गलौटी कबाब हमने मंगाई है। एक प्लेट जैसे मैंने आपको बताया, उसमें चार मटन गलौटी कबाब आते हैं, और साथ में आप इसको खा सकते हैं रुमाली रोटी या फिर मुगलाई रोटी के साथ। हमने मंगाई है रुमाली रोटी, जिसके साथ प्याज और चटनी, हरी चटनी आ जाती है, तो ये मील जो है कंप्लीट हो जाती है। अभी गर्मा गर्म एकदम भवकते हुए गलौटी है सामने मेरे, और उसके साथ है रुमाली रोटी, तो मेरे से वेट तो नहीं किया जा रहा है। खा के बताता हूँ आपको कैसा है ये डिश। खाली हमने अपने हमारे टुंडे कबाब, बहुत ही बढ़िया कबाब थे, बहुत ही सॉफ्ट, गुलाटी से भी ज्यादा सॉफ्ट से कबाब है। तो इसलिए इनका नाम टुंडे कबाब है, जो एक्चुअली में गुलाटी कबाब के नाम से बिकते हैं दिल्ली में। बिल भी ज्यादा नहीं था, सिर्फ 130 रुपए के चार टुंडे कबाब आए, मैंने एक एक्स्ट्रा लिया था, तो 160 रुपए के टुंडे कबाब और 15 रुपए की रुमाली है, शायद 190 रुपए मेरा बिल है। हमारी लिस्ट में अगर मैं टुंडे कबाब को रेट दूंगा तो 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। टुंडे कबाबी वाले की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेके रात को 12:15 बजे तक, और यहाँ पे एक जने का खर्चा आपका हो सकता है तकरीबन 130 रुपए का। टुंडे कबाबी वाले की बाकी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप ये स्क्रीन पॉज करके वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। नंबर दो, लखनऊ बिरयानी। अब लखनऊ की बिरयानी कौन नहीं जानता, लखनऊ की नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन बिरयानी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मशहूर है, और हम जहाँ जहाँ लखनऊ में बिरयानी खाने गए उसमें सबसे पहले जगह थी वाहिद बिरयानी। गाइस हमारी जो अगली जगह है जहाँ अगर आप लखनऊ में आओ तो खाने पीने जरूर आना, वो है वाहिद की बिरयानी। जी हाँ, वाहिद बिरयानी 1955 से चलती आ रही है, और लखनऊ के खाने में जो नॉन वेजिटेरियन खाना है सबसे ज्यादा फेमस है, और चिकन बिरयानी अगर आपने यहाँ की नहीं खाई क्या ही बात है। वाहिद बिरयानी और इदरीस बिरयानी दो बिरयानी है, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं यहाँ की वाहिद बिरयानी, लेट्स गो। तो गाइज हम आ गए हैं लखनऊ के फेमस वाहिद बिरयानी वाले के। अब इसकी सबसे खास बात आपको अगर बताऊं तो टुंडे कबाब के बिल्कुल बगल में पड़ता है वाहिद बिरयानी, और लोग यहाँ आते हैं टुंडे कबाब खाते हैं लेकिन वाहिद बिरयानी टेस्ट करके नहीं जाते। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप बिरयानी लवर हैं और नॉनवेज लवर हैं तो वाहिद बिरयानी की बिरयानी जरूर टेस्ट करके जाएं। यहाँ की सबसे मेन बिरयानी होती है चिकन बिरयानी, और वो हाफ प्लेट आपको तकरीबन 110 रुपए में मिलेगी। यहाँ का मेन्यू भी बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिस टेबल पे आप बैठे हैं उसी टेबल की कांच के नीचे पूरा का पूरा मेन्यू बिछा हुआ है, तो आप खाते खाते पूरा मेन्यू देख सकते हैं, जब मर्जी चाहे जो मर्जी ऑर्डर कर सकते हैं। हम ऑर्डर करेंगे यहाँ पे बिरयानी, लेट्स सी कैसा होता है उसका टेस्ट। तो
गाइस हमारी हाफ बिरयानी आ गई है। ये हाफ चिकन बिरयानी हमने मंगाई है, 110 रुपए की पड़ी है। तो इस बिरयानी में मुझे दिख रहे हैं 3 पीस के आसपास, वैसे लिखे तो 2 पीस लेकिन 3 पीस आए, तो आई एम लकी। साथ में हमें मिली है यहाँ पे इसका रायता, एक रायते के साथ मिला है ये, और एक सलन, सलन या फिर ग्रेवी आप बोल सकते हैं उसको, इसके साथ मुझे बिरयानी मिली है। तो देखने में अगेन फिर से बहुत टेम्पटिंग लग रही है, खा के बता दूँ कैसे। जाकिर खान, यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा गाइस, पहली बार आया मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर खाना खाना अगर लखनऊ में आना है, टुंडे के बगल में वाहिद बिरयानी है, वहाँ पे जरूर आए। मुझे यहाँ का चिकन मसाला और चिकन तंगड़ी बहुत पसंद है, हम लोग यहीं पे आते हैं हमेशा, रेगुलर कस्टमर। मेरा नाम राबिया। बिल्कुल, मैं तो कहूँगी जरूर आए यहाँ पे। वाहिद बिरयानी वाले की बिरयानी खा के हमें ऐसा लगा कि हमने पूरे लखनऊ की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी खाई है। इसकी बिरयानी इतनी बढ़िया थी कि आपको इसकी बिरयानी किसी ग्रेवी के साथ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसा सिर्फ हमारा मानना नहीं था, वहाँ खाना खाने वाले बाकी लोगों का भी यही कहना था। वाहिद बिरयानी की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, और यहाँ आपका एक जने का खर्चा हो सकता है तकरीबन 150 रुपए। लखनऊ में दूसरी जगह जो हम बिरयानी खाने गए वो थी इदरीस की बिरयानी। तो गाइस हमारी अगली जगह है बिरयानी खाने की, और बिरयानी जो लखनऊ में सबसे ज्यादा फेमस है वो है इदरीस बिरयानी, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। सबसे पुरानी दुकानों में से एक दुकान है इदरीस बिरयानी, और यहाँ की बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर आप बिरयानी लवर है और लखनऊ आ रहे हैं तो इदरीस की बिरयानी मिस्ट करना। चलिए देखते हैं खाकर की कैसी है इसकी बिरयानी। इदरीस बिरयानी का जो पुलाव बनता है वो याखनी में बनता है, जिससे बहुत ही अच्छे से रिफाइंड करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ की बिरयानी ज्यादा मसालेदार भी नहीं होती, इसलिए बिरयानी लवर्स इदरीस बिरयानी बहुत पसंद करते हैं। इदरीस बिरयानी की टाइमिंग है दोपहर 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और यहाँ आपका एक जने का खर्चा हो सकता है तकरीबन 200 रुपए का। नंबर 3, छोले भटूरे। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह, ये है लखनऊ के फेमस सरदार जी के छोले भटूरे। भैया अगर आपको पंजाबी खाना पसंद है, छोले भटूरे पसंद है, तो लखनऊ में रहने वाले एक दिन की जो सुबह होगी ना उसमें ब्रेकफास्ट करना सरदार जी के छोले भटूरे पे। मतलब कई जगह के छोले भटूरे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को अपनी लाइफ में ऐसा कोई नहीं मिला जिसको छोले भटूरे ना पसंद हो। तो चलिए अब लखनऊ के सरदार जी के छोले भटूरे चल के ट्राई करते हैं कैसे हैं, लखनऊ में हमारी पहली सुबह का नाश्ता। ₹40 प्लेट है। एक प्लेट में 2 भटूरे आते हैं, दो। तो गाइस यहाँ पे सिस्टम क्या है कि ये जो सरदार जी के छोले भटूरे है तो बहुत बड़ी दुकान नहीं, छोटी सी दुकान है, अफकोर्स बहुत फेमस है, लेकिन अंदर बैठने के लिए डाइनिंग के लिए ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है और वो ऑलमोस्ट फुल रहती है। तो आपको क्या है, अगर आप अपनी गाड़ी में है या बाहर खड़े होकर भी खा सकते हैं। हम अपनी गाड़ी में है तो हमने अपनी गाड़ी में मंगा लिए 2 प्लेट छोले भटूरे, ₹40 पर प्लेट के छोले भटूरे हैं, और देखते हैं कैसे हैं भाई। देखने से बनने से मतलब एकदम फ्रेश मस्त लग रहे हैं, अब खाने के बाद पता चलेगा कैसे हैं। सरदार जी के छोले भटूरे में एक प्लेट में हमें मिलते हैं 2 भटूरे और छोले, जिसके साथ आपको अचार, अनियन और सैलेड भी मिलता है, और सरदार जी के छोले भटूरे की थाली में एक चटनी भी मिलती है जो आपके छोले भटूरे के साथ स्वाद दुगना कर देगी। ओवरऑल सरदार जी के छोले भटूरे बहुत ही बढ़िया थे, तो इसीलिए अगर आप लखनऊ में पंजाबी खाना ढूंढ रहे हैं तो सरदार जी के छोले भटूरे जरूर खाएं। सरदार जी के छोले भटूरे की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, और यहां आपका एक जने का खर्चा हो सकता है तकरीबन 50 रुपए। नंबर 4, कुलचा निहारी। गाइस ये है हमारी अगली जगह, ये है रहीम कुलचा निहारी, जो लखनऊ की जो दूसरे नंबर पे आती है, जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है कुलचा निहारी। एक कुलचे के साथ आपको मटन ग्रेवी की सब्जी मिलती है, इसे शायद निहारी बोलते हैं, और वो कुलचे के साथ खाई जाती है। इतनी फेमस होती है वो कि ये बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी आ चुकी है, जैसे विक्रम वेदा भी ऋतिक रोशन की लेटेस्ट मूवी आई थी उसमें भी कुलचा निहारी का जिक्र था। तो चलिए रहीम कुलचा निहारी, जो कि लखनऊ में सबसे ज्यादा फेमस है, चल के ट्राई करते हैं, लेट्स गो। इसमें भी टुंडे कबाबी की तरह टेक अवे का काउंटर एकदम बाहर है, और डाइनिंग का काउंटर यहाँ पे नीचे बेसमेंट में जाके होता है, तो वहीं चलते हैं हम खाने के लिए डाइनिंग के काउंटर में। ये नीचे बेसमेंट है, इसको चलना है भाई। रहीम के कुलचा निहारी का आए हुए हैं, उसका मेन्यू हमने देखा, मेन्यू में सिंपल है, जो निहारी है वो एक्चुअली मटन है, वो बफेलो होती है, इट्स अ बीफ, तो जो बीफ की बनी हुई डिश को बोलते हैं निहारी। वैसे तो मटन निहारी भी है, तो हमने एक मटन निहारी मंगाई है, साथ में मंगाया है इनका कुलचा, जो कुलचा होता है काफी मोटा फ्लफी रोटी होती है, तो उसके साथ हम ट्राई करते हैं। बीफ में नहीं खा सकते भाई, क्योंकि मैं कितना ही नॉन वेजिटेरियन खाऊं बट बीफ नहीं खा सकता, आई एम सो सॉरी। तो गाइस ये आ गया हमारा निहारी कुलचा, और ये कुलचा है इसका बहुत ही फ्लफी और करारा कुलचा है, और ये हमारी ग्रेवी, देखते हैं ट्राई करके बताते हैं कि कैसे है। तो भाई
रहीम का कुलचा और यहाँ का मटन खाया भाई, बहुत बढ़िया लगा। कुलचा इतना करारा था, ऊपर की लेयर इतनी करारी थी और अंदर से खुमार उठा हुआ था, मतलब खुमेरी रोटी जो बोलते हैं ना दिल्ली में, वो यहाँ पर इसको कुलचा बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया, मतलब जो बटर यूज कर रखा है वो भी बहुत बढ़िया है। लाइट बिल्कुल भी नहीं है, मेरा तो एक ही कुलचे में पेट भर गया। और हाफ प्लेट जो रहीम का मटन था वो भी बहुत था। रहीम कुलचा निहारी की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12:15 बजे तक, और यहाँ पर आपका एक जने का खर्चा हो सकता है तकरीबन 150 रुपए का। नंबर 5, जैन चाट भंडार। जैन चाट भंडार लखनऊ की सबसे पुराने चाट भंडारों में से एक है। ये तकरीबन 40 साल पुराना है और यहाँ आपको जो चाट खाने को मिलेगी वो स्पेशलाइज्ड होगी। यहाँ आपको चाट का मेन्यू बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो बहुत बढ़िया होगा, जैसे यहाँ की आलू टिक्की और यहाँ की चने की टिक्की की चाट। भाई अब जब खाने पीने की बात कर रहे हैं तो चाट की बात करना भी जरूरी है, और लखनऊ में जो सबसे फेमस चाट मिलती है वो है जैन चाट भंडार के। चाट हम सबको पसंद है, बेस्ट टाइम होता है चाट खाने का इवनिंग के समय, डिनर से पहले अगर आप चाट खा ले तो डिनर का मजा डबल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं जैन चाट कॉर्नर की चाट कैसी है और देखते हैं कि क्या टेस्ट है उसका। तो गाइस यहाँ पे जो जैन चाट कॉर्नर में है, यहाँ मिलते हैं गोलगप्पे, आलू की टिक्की और एक बहुत ही बेहतरीन मटर की टिक्की मिलती है जो मैंने पहले तो कभी नहीं खाई। तो ट्राई हम तीनों चीजें करेंगे इसकी, गोलगप्पे भी ट्राई करेंगे, आलू की टिक्की और मटर की टिक्की, वो दोनों सारी चीजें ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं। जो गोलगप्पे हैं वो 20 रुपए में 5 मिलते हैं, आलू टिक्की 50 रुपए की और मटर की टिक्की भी 50 रुपए की है, और स्नैक्स के लिए आई थिंक इतना तो बहुत कम रेट है, आराम से खा सकते हो। चलो लेट्स गो एंड ट्राई। काटने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, सबसे बढ़िया क्या लगा तीनों चीजों में? तीनों चीजों में सबसे बेहतरीन तो थी इनकी आलू वाली टिक्की। आलू टिक्की? हाँ, आलू टिक्की दिल ले गई। आलू की टिक्की ऐसे होती है ना, एकदम खस्ता कुरकुरी, बैलेंस्ड फ्लेवर था उसके अंदर, दही के साथ चटनी का हर एक का बिल्कुल अच्छा फ्लेवर आ। और मटर की टिक्की बेस्ट? मटर की यूनिक है, हमने दिल्ली वालों ने ऐसे नहीं खाई, हम यूजुअली टिक्की के ऊपर मटर डाल के खाते हैं, ये एक्चुअली में सफेद मटर की बनी हुई थी। और गोलगप्पे के बारे में? गोलगप्पे मुझे एवरेज लगे थोड़े से, क्योंकि ये आलू के साथ नहीं, ये छोलों के साथ गोलगप्पे सर्व करते हैं और हमें आलू के पसंद। मेरा नाम आदर्श जैन है। कब से हमारे जैन चाट? बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, तो अराउंड 40 इयर्स प्लस हो चुका है इसको। सबसे फेमस डिश आपकी यहाँ की कौन सी है? आलू टिक्की और मटर चाट ही फेमस है। बेसिकली क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, प्राइस भी बहुत नॉमिनली अगर देखा जाए आज के हिसाब से, और क्लीनलीनेस आपको बहुत सही मिलेगी यहाँ पे, लहसुन प्याज का बिल्कुल यूज नहीं है इसमें। जैन चाट भंडार की टाइमिंग है शाम 4:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की, और यहाँ आपका एक जने का खर्चा हो सकता है 150 रुपए के आसपास। नंबर 6, बास्केट चाट। तो गाइस हमारी अगली जगह है ये रॉयल्स कैफे। रॉयल्स कैफे क्यों? रॉयल्स कैफे में ऐसा स्पेशल क्या है? रॉयल्स कैफे का स्पेशल है यहाँ की बास्केट चाट। आई थिंक आपने पहली बार सुनी होगी बास्केट चाट। बास्केट चाट की रेसिपी ये है कि वो एक बाल्टी में आपको पूरी चाट बना के देते हैं और आप वो बाल्टी साथ में खाते हो। जी हाँ, आलू के लच्छे की बास्केट बनाकर एक नई रेसिपी से यहाँ के शेफ ने एक बहुत ही बढ़िया बास्केट चाट बनाई है, जो कि पूरी इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, और वो है सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में। तो लखनऊ के रॉयल्स कैफे आए हैं हम वो बास्केट चाट ट्राई करने के लिए। तो चलिए ट्राई करते हैं इसकी बास्केट चाट। क्या नाम है सर आपका? रमन यादव। कैसी आपको रॉयल्स कैफे की आपकी बास्केट चाट खाई? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट है यहाँ की और काफी ज्यादा फेमस है। अच्छा लगा आपसे बहुत मिलकर। थैंक्स भाई। तो बास्केट चाट में क्या क्या डालते हैं, क्या बनाते हैं? सर बास्केट चाट में एक आलू टिक्की रहेगा, एक दही भल्ला रहेगा, पापड़ी रहेगी, छोले लपेटू रहेगा, दही चटनी मसाले सेव रहेगी, बेसन का लिया रहेगा, धनिया अनार रहेगा। तो स्वाति कैसी लगी है आपको रॉयल्स कैफे की बास्केट चाट? बास्केट चाट इज ऑल अबाउट फ्लेवर एंड दिस बास्केट चाट इज फुल ऑफ फ्लेवर। सबसे बढ़िया चीज क्या थी इसके अंदर? इसकी क्रिस्पीनेस और इसके अंदर की जो फिलिंग थी, उसमें आप जब खाओगे ना, खाते आपके मुंह में बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर आएंगे। और क्या आपको लगता है 250 रुपए वर्थ इट है? देखो चाट तो बहुत सारी मिल जाएंगी, पर इसकी बास्केट चाट डिफरेंट है बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिनल फ्लेवर्स। वो और इसकी जो आउटर साइड पे जो क्रिस्पी इसकी बास्केट है वो यूनिक। बास्केट चाट के रॉयल्स कैफे की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, और यहाँ आपका एक जने का खर्चा हो सकता है तकरीबन 250 रुपए का। नंबर 7, बन मस्का। गाइस आप लखनऊ के स्ट्रीट फूड में एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, आप किसी भी चाय काउंटर पे रुकिए जो अच्छा बड़ा सा हो, और उस पे आप वहाँ की चाय, वहाँ का समोसा और वहाँ का बन मस्का भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लखनऊ की जो घूमने की थकान है वो दूर कर सकती है आपके
की लखनऊ की एक चाय। ऐसे ही एक चाय काउंटर पे मैं रुका हूँ जहाँ का बन मस्का ट्राई करना जरूर बनता है। अगर आप लखनऊ में घूमते घूमते कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ का बन मस्का लखनऊ की चाय के साथ, जिसमें एक बन को तंदूर में भून के उसके चारों तरफ मक्खन लगा के आपको चाय के साथ सर्व किया जाता है, और ये आपके सुबह या शाम का एक बहुत ही बेहतरीन नाश्ता बन सकता है। कैसा है ये? तो इसमें अंदर क्या फिल हो रखा है? मक्खन। क्या टोस्ट करके ना इसको मक्खन भर रखा है। नंबर 8, कुल्फी। अब अगर खाने की बात करी है और चाट की बात करी है तो डेजर्ट की बात करना भी जरूरी है, और लखनऊ के सबसे फेमस डेजर्ट यानी कि यहाँ की कुल्फी मिलती है प्रकाश कुल्फी वाले के। प्रकाश कुल्फी वाले के आपको कई वैरायटी की कुल्फी मिलेगी, जैसे मैंगो कुल्फी, क्रीम कुल्फी, पिस्ता, काजू, किशमिश कुल्फी, और यहाँ की सबसे फेवरेट आइटम है यहाँ का कुल्फी फलूदा। इसलिए अगर आप लखनऊ में खाने पीने की बात करेंगे तो कुल्फी में नाम आएगा प्रकाश कुल्फी का। प्रकाश कुल्फी वाले की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, और यहाँ पर आपका एक जने का खर्चा सकता है तकरीबन 50 रुपए का। तो ये थी हमारी टॉप प्लेसेस टू ईट इन लखनऊ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल है तो कमेंट करें। हम अपने हर कमेंट के सवाल का जवाब जरूर देते हैं, और अगर उसके बाद भी कोई सवाल रह जाए तो हर सैटरडे को होने वाला हमारा लाइव सेशन अटेंड करें, और फेस टू फेस हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। आपको लगता है हमारी वीडियो किसी के काम आएगी तो शेयर करें, और आप हमारा थैंक्स बटन या फिर ज्वाइन बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ऐप के लिंक को क्लिक करके हमारी ऐप डाउनलोड कर लें। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। Be well, namaste.